हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है नेचर लॉ ऑफ क्योर। इसको होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर या कभी कभी एग्जाम में थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर से भी पूछा जाता है। कभी कभी मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर भी पूछा जाता है। ये चारों जो नाम है, ठीक है, ये नाम जो है सब एक ही क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी चीज़, आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इस लॉ को पता होना चाहिए। जब आप क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी ये लॉ पता होना चाहिए। दोस्तों, नेचर लॉ ऑफ क्योर जो है एफोरिज्म 26 और उसके कुछ फुटनोट में दिया गया है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो आप प्रिफर करेंगे एफोरिज्म 26। तो द नेचर लॉ ऑफ क्योर इज बेस्ड ऑन डिफरेंट नेचुरल एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, जो नेचर लॉ ऑफ क्योर है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऐसे ही लिख दिया गया है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर हैनीमैन ने देखा और उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, तब जाके ये जो है नेचर लॉ ऑफ क्योर निकल के आया है। तो आप प्रिफर करेंगे 26 एफोरिज्म को। देखिए क्या लिखा गया है 26 एफोरिज्म में, कि अ वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय स्ट्रॉन्गर वन इफ द लेटर इज वेरी सिमिलर टू द फॉर्मर इन इट्स मैनिफेस्टेशन। आप इसको क्या समझ रहे हैं? बोल रहे हैं वीकर डायनेमिक अफेक्शन, यानी कि एक कमजोर जो बीमारी है, वीक डायनेमिक अफेक्शन। डायनेमिक अफेक्शन मतलब वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट, यानी कि डिजीज, यानी कि एक वीक बीमारी, एक वीक डिजीज परमानेंटली एक्सटिंग्विश हो जा रही है, परमानेंटली ठीक हो जा रही है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बाय द स्ट्रॉन्गर वन। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें तो ये डिजीज कोई ए है। अगर कोई दूसरी बीमारी इसी बंदे के अंदर सिमिलर मैनिफेस्टेशन का आ रही है, लेकिन उसकी साइज इससे बड़ी है, स्ट्रॉन्गर है, देखिए ये कैपिटल ए है, ये पुरानी बीमारी है, उसी बंदे में जो है दूसरी बीमारी आई, तो ये क्या करेगी कि पुरानी वाली जो है, जो नई आई है, नई वाली क्या है, इससे बड़ी है, पहले वाली से बड़ी है, तो बड़ी वाली क्या करेगी, छोटे वाले को ख़त्म कर देगी, यानी कि इसके साइन एंड सिम्टम खत्म हो जाएंगे, अब आपको इसको देखने को मिलेगा। तो वही इन्होंने लिखा है कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन, यानी कि छोटा वाला जो ए है परमानेंटली ठीक हो जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाय द स्ट्रॉन्गर वन, जब बड़ा वाला आ रहा है तो। कब? इफ लेटर इज वेरी सिमिलर, एग्जैक्ट तो सिमिलर होगी नहीं बीमारी, लेकिन हाँ लेटर वाला वेरी सिमिलर हो टू इट फॉर्मर वन, इट में जैसे कि पेन हो रहा है, ठीक है, किसी को पेन हो रहा है, मान लीजिए हेडेक हो रहा है, और किसी को घुटने में नया पेन आ गया एक्यूट कंडीशन में, या चाहे जैसे भी ज़्यादा पेन हो रहा है, पहले हेड में पेन हो रहा था लेकिन बाद में एक पेन आया या कोलिक आया जो कि बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है। तो मान लो कि हेड पेन हो रहा है और बाद में किसी को मान लो अपेंडिक्स का पेन आ गया अचानक से, तो अपेंडिक्स का पेन आप लोग को ज़्यादा जानते ही हैं कि काफ़ी सीवियर पेन होता है, तो अपेंडिक्स वाला जब पेन होने लगेगा तो अपने आप हेड का पेन ख़त्म हो जाएगा। दोनों का सिमिलर मैनिफेस्टेशन था, दोनों सेम पेन कॉज करवा रहे थे अपने ब्रेन को, लेकिन पेन जो है जो अपेंडिक्स वाला है वो ज़्यादा तेज था, इसलिए अपना ब्रेन जो है अपेंडिक्स के पेन को जो है सेंस कर रहा था, ना कि हेड वाले पेन को। तो वही डॉक्टर हैनीमैन ने लिखा है वीकर डायनेमिक अफेक्शन। इस एफोरिज्म को आपको अच्छे से समझना है, यही है नेचर लॉ ऑफ क्योर। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको 26 के फुटनोट के साथ साथ, हम वन बाई वन करके देखेंगे, लेकिन अभी एग्जाम्पल में कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में फिजिकल एस्पेक्ट, मोरल एस्पेक्ट और डिजीज एस्पेक्ट, यानी तीन तरीके से हम इस पर एग्जाम्पल देखेंगे, यानी कि फिजिकल पे देखेंगे, फिर मोरल पे देखेंगे, फिर डिजीज पे। कहाँ मिलेगा आपको? 26 के फुटनोट में, काफ़ी लंबा चौड़ा फुटनोट है, जब आप इसको देखेंगे इस वीडियो को देखने के बाद से तो काफ़ी आपको समझ में आएगा। तो वन बाई वन करके देखते हैं फिजिकल एस्पेक्ट पे। जैसे देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि एक एग्जांपल दिया गया है कि इन अर्ली डाउन ब्रिलियंट जुपिटर, मतलब एक स्टार की बात हो रही है, वेनिसेस फ्रॉम ए गेज ऑफ बीहोल्डर मतलब सन। जाहिर सी बात है कि स्टार की लाइट, अगर मान लीजिए कि रात में अगर जुपिटर की लाइट है, अगर सुबह हो रहा है, यानी सन के आ जाने से, सूरज के आ जाने से स्टार की लाइट अपने आप ख़त्म हो जा रही है, डिम हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही है, हमको दिखाई नहीं दे रही है, जबकि दोनों लाइटें हैं और दोनों को दोनों ऑप्टिक नर्व पे सेम जो है अफेक्ट कर रही है। जुपिटर की भी लाइट कहाँ जा रही है? आँखों पे, ऑप्टिक नर्व पे जा रही है, और सन की भी लाइट कहाँ जा रही है? आँखों पे ही जा रही है, लेकिन चूंकि सन की लाइट तेज है इसलिए हमें जुपिटर दिख नहीं रहा है। आपको पता है ना, दिन में तारे ख़त्म नहीं हो जाते, दिन में तारे रहते हैं, लेकिन सन के आ जाने से इनकी लाइट का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है।
तो वही लिखा है, अर्ली डाउन ब्रिलियंट जुपिटर वेनिसेस फ्रॉम गेज ऑफ बिहोल्डर, यानी कि सन के आ जाने से स्टार खत्म हो जा रहा है। दोनों का सिमिलर मैनिफेस्टेशन है। कैसे सिमिलर मैनिफेस्टेशन है? क्योंकि दोनों के दोनों कहाँ अफेक्ट कर रहे हैं? ऑप्टिक नर्व पे। तो ही इन्होंने एफोर्जम में लिखा है कि दोनों के दोनों इफ वेरी सिमिलर टू द फॉर्मर इन इट्स मैनिफेस्टेशन। दोनों का मैनिफेस्टेशन कैसा हो? सेम होना चाहिए, सेम ना कहके सिमिलर होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द ऑफेंसिव स्मेल कैन बी एक्सटिंग्यूश्ड बाय स्नफ। ठीक है, जो स्मेल हमारे नाक पे जा रही है एक्सटिंग्यूश हो जा रही है स्नफ से। आगे देखते हैं, जबकि दोनों के दोनों ऑल्फैक्टरी नर्व पे एक्ट कर रहे हैं, लेकिन स्नफ चूंकि जो है स्ट्रॉन्गर है, इसलिए स्नफ का जो है हमें ज़्यादा महसूस हो रहा है और वो पुराना वाला नहीं महसूस हो रहा है। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल देखिए। द बैटल फील्ड, ठीक है, यानी कहीं लड़ाई हो रही है, लड़ाई में वाउंडेड शोल्डर, यानी कि जो सोल्जर हैं जो घायल हो गए हैं, कैन नॉट बी हियर्ड बाई नॉइजी ड्रम। चूँकि लड़ाई हो रही है तो नॉइज होगा वहाँ पर, ड्रम होंगे, हाथी घोड़े होंगे, उनके चिंगाहट से या ड्रम जो पीटे जा रहे हैं उनके आगे जो सोल्डर चिल्ला रहे हैं कि मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, दोनों के दोनों का एक्शन कहाँ है? कान पे है। ठीक है, कान पे है, लेकिन जो है एक्शन किसका ज़्यादा जा रहा है? नॉइजी ड्रम का। अपने दिमाग तक बात पहुँच रही नॉइजी ड्रम पे, सोल्जर की आवाज़ नहीं जा रही है, क्योंकि बाद वाला जो है स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, आ रही बात समझ? बहुत ही ईजी है, नेचर लॉ ऑफ की ओर बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल आसान है, सेम होना चाहिए, दोनों एक तरीके का होने चाहिए, लगभग लगभग सिमिलर होने चाहिए, लेकिन बाद वाला स्ट्रॉन्गर है तो पुराने वाले को ख़त्म कर देगा। ये फिजिकल एस्पेक्ट पे कुछ ऐसे जो है एग्जांपल दिए गए जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं कि सोल्जर चिल्ला रहा है मेरी मदद करो, पानी पिलाओ, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है क्योंकि वहाँ हाथी घोड़े या ड्रम के जो है चिंगाड़ आ रहे हैं। तो सिंपल बात है, दोनों में आवाज़ आ रही है, लेकिन बाद वाला जो आवाज़ है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पुराना वाला आवाज़ यानी कि सोल्जर का चिल्लाहट नहीं पता चल रहा है। तो फिजिकल एस्पेक्ट पे बहुत से एग्जांपल दिया गया। जैसे मोरल एस्पेक्ट पे देखा जाए अगर, तो लिखा है कि द मॉर्निंग सैरो विल बी अफेक्टेड फ्रॉम माइंड बाय अनदर ग्रेट सोरो बाय कॉज सोरो। इन्होंने ये लिखने की कोशिश किया, जरा फिर से समझिए, मैं इसको सही से नहीं पढ़ा। इन्होंने बोला कि एक घर में मान लीजिए एक बंदे के ऊपर, जैसे कोई बंदा है, इसको किसी बात को लेके सोरो है, दुख है, लेकिन अगर ये सोरो के इसके ऊपर कोई और इससे भयंकर यानी इससे बड़ा सोरो आ जाए तो ये और ज़्यादा दुखी हो जाएगा, पुराने वाले को भूल जाएगा। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ, नेवर डेट, पड़ोसी का डेथ हुआ है, दुखी तो था ही बंदा, लेकिन अचानक इसके घर में बेटे के या फैमिली मेम्बर का डेथ हो जाए तो ये पुराना वाला भूल जाएगा कि पड़ोसी में क्या हुआ है, वो अपने घर के डेथ को लेकर अब परेशान रहेगा। ये मेंटल एस्पेक्ट पे, मोरल एस्पेक्ट पे मतलब एग्जांपल दिया गया है कि अगर पड़ोस में कोई ख़त्म हुआ है तो वो तो दुखी था ही पहले से, लेकिन घर में ब्रदर सन कोई भी ऐसा जो फैमिली मेम्बर का डेथ हो जा रहा है तो पुरानी चीज़ें भूल के अपने घर के दुख के आगे लेके रोने लगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाद वाला भी दुख है, पहले वाला भी दुख है, लेकिन बाद वाला दुख क्या है? तगड़ा है, इसलिए बाद वाले दुख को ज़्यादा हो रहा है, पुराना वाला वो भूल गया। ठीक है, उसी तरह से ग्रेट जॉय विल बी रिमूव बाय ड्रिंकिंग कॉफ़ी विच प्रोड्यूस एन एक्सेसिवली जॉयस स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, पेशेंट मतलब बंदा बहुत ज़्यादा जॉय है, लेकिन ड्रिंकिंग कॉफ़ी से पुराना वाला जॉय भूल के कॉफ़ी का मज़ा ले रहा है। मतलब ये सब मोरल एस्पेक्ट पे डॉक्टर हैरिमैन ने 26 के फुट नोट में एग्जाम्पल दिया है। आप जाके इस बात को पढ़िएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा जुपिटर वाला लिखा हुआ है, काफ़ी लंबा चौड़ा स्मेल वाला लिखा गया है। ठीक है, और इवन ब्रिटल यार्ड ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने अपने से एग्जाम्पल बनाया हो। ये तीनों इवन 3 और 2 5, ये टोटल पांचों के पांचों एग्जाम्पल 26 के फुटनोट में लिखा हुआ है। आप जाके जरूर देखिए इस फुटनोट को। डिजीज एक्सपेक्ट पे अगर हम बात करें तो एफोर्जम 46 में लिखा हुआ है। डिजीज एक्सपेक्ट पे लॉ ऑफ नेचर या नेचर लॉ ऑफ क्योर या मोडस ऑपरेंडी कैसे काम करती है ऑफ होमोपैथिक कॉज, ये देखते हैं। तो देखिए डिजीज एस्पेक्ट पे इन्होंने लिखा है कि स्मॉल पॉक्स, किसी बंदे को पहले से स्मॉल पॉक्स हुआ है जो कि क्योर हो जाता है ऑप्थेल्मिया से। दोनों ऑप्टिक नर्व पे एक्ट कर रही हैं, लेकिन ऑप्थेल्मिया हो जाने की वजह से स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी क्या हो जा रही है? ठीक हो जा रही है। आप इसको एफोर्जम 46 में जाके देखिएगा। तो 26 का एक्सटेंशन 46 में थोड़ा बहुत दिया गया है, जैसे ब्लाइंडनेस क्योर बाई स्मॉल पॉक्स, बाद वाली बीमारी क्या है? बड़ी आ रही है इसलिए ब्लाइंडनेस खत्म हो जा रहा है। जैसे स्मॉल पॉक्स
क्योर्ड डीफनेस एंड डिशनिया, यानी किसी को सांस फूलने लग रही, अस्थमा या डीफनेस हो जा रहा है, तो स्मॉल पॉक्स ठीक हो जा रहा है, या स्मॉल पॉक्स क्योर्ड स्वेलिंग ऑफ टेस्टिकल्स, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल दिया गया है, क्योर ऑफ डिसेंट्री बाई स्मॉल पॉक्स, डिसेंट्री ठीक हो जा रही है अगर किसी को स्मॉल पॉक्स आ जा रहा है, काउ पॉक्स क्योर्ड बाई इचिंग इरप्शंस, ठीक है, काउ पॉक्स क्योर्ड पैरालिसिस आर्म, क्योर ऑफ इंटरमिटेंट फीवर बाई काउ पॉक्स, इंटरमिटेंट फीवर था लेकिन काउ पॉक्स आ जाने से ठीक, मतलब इस ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम्पल को आपको एक्सप्लेन करना होगा, आपके पास अगर पेज कम पड़ रहे हैं तो आप एक्सप्लेन कर, लेकिन कहने का मुद्दा यही है, एक ही चीज़ है कि बाद वाले अगर स्ट्रॉन्गर है तो पुरानी वाली जो है क्या हो जा रही है, ठीक हो जा रही है। यही बात जो है इतने सारे डिजीज में लिखा, और भी एग्जाम्पल 46 में लिखा हुआ है, जैसे देखिए मिजल्स और वूफिंग कफ के बीच में रिश्ता लिखा हुआ है, क्रोनिक हर्पेटिक इरप्शन क्योर हो जा रहा है मिजल्स से, मिलेरी रैसेस क्योर हो जा रहा है मिजल्स से, यानी रैसेस आ रहा है, मिजल्स आ रहा है, गलसुमना हो रहा है, तो मिलेरी रैसेस क्या हो जा रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं। तो ये डिजीज एक्सपेक्ट पे बहुत से एग्जाम्पल एफोरिज्म 46 में लिखे हुए हैं, आप इस एफोरिज्म को जाकर टच करिए, देखिए कि वही बात लिखी हुई है जो 26 के फुटनोट में लिखी हुई है और 26 में लिखी हुई है। तो 26 में यही बात लिखा हुआ, आपको हम एक बार फिर से बता दें कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंट, इसको आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को, इवन थर्ड ईयर को ये एफोरिज्म ही याद होना चाहिए, ठीक है, कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन परमानेंटली एक्सटिंग्यूज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द स्ट्रॉन्गर वन, स्ट्रॉन्गर वन से क्या हो जा रहा है, परमानेंट एक्सटिंग्यूज हो जा रहा है, अगर लेटर वाला क्या हो रहा है, वेरी सिमिलर हो रहा है, हमें नहीं कह रहे सेम होगा, लेकिन वेरी सिमिलर है तो क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है नेचर लॉ ऑफ क्योर, या होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर, या थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर। अक्सर एग्जामिनर आपको वाइवा में पूछ लेता है, बताइए नेचर लॉ ऑफ क्योर क्या है, नहीं तो एग्जाम में 10 नंबर या 20 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए। क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आप अगर किसी पेशेंट को कोई दवा दे रहे हो, पता चला उसके बाद से दूसरी डिजीज आ गई, पुरानी वाली ठीक हो गई, तो आपको पता होना चाहिए, आपको घबराना नहीं है कि नहीं अरे वो पुरानी वाली कहाँ गई, तो आपको ये पता होना चाहिए नेचर लॉ ऑफ क्योर। तो नेचुरल एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे है, कोई ऐसा नहीं एक थ्योरी लिख दिया गया, नहीं ये निकाला गया है, देखा गया ऐसा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत से मेडिसिन आपको यहाँ पे थेरेपेटिक्स मेडिसिन और पॉलीक्रेश मेडिसिन, जो कि क्लिनिकल फीचर के बेसिस पे मेन पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा जो डायरेक्ट पेशेंटों पे अप्लाई होती है, वो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ दोस्तों, ज़रूर देखिए वो सब वीडियोज़, और ऑर्गेनॉन की सारी वीडियोज़ मैं सोच रहा हूँ कि कवर कर लूँ, मैक्सिमम वीडियोज़ अपलोड हैं, आप लोग ज़रूर देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।